बल्कि वहां तो हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। अच्छा, तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था, मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से, ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने हाँ सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे, और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है, तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले, वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यू, उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही है। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या वो प्रॉब्लम कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई। है। जी मैं बदतमीजी कर